और गाइस नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मेरे सामने बजाज पल्सर P150 जो बजाज ने न्यूली लॉन्च किया है। सो गाइस, ये जो मॉडल है, ये मॉडल आप लोग N160 का साथ आप लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, जो नया मॉडल है बजाज ने न्यूली लॉन्च किया है, बजाज P150 जो पी सीरीज का नया मॉडल है। तो गाइस इसका ही मैं आज आप लोग को डिटेल्स दूंगा। तो गाइस वीडियो लास्ट तक देखते रहना, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना, और मेरे चैनल में आप लोग नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फुल डिटेलिंग रिव्यू। तो साथ में इसका मैं प्राइस बता दूंगा और क्या क्या फीचर्स है बाइक में, सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल्स बता दे रहा हूँ। इसका जो P150 है, P150 दो वेरिएंट आप लोगों को मिल जाएगा। तो वन वेरिएंट है ड्यूल डिक्स और सिंगल डिक्स। तो गाइस ये जो है, ये मॉडल सिंगल डिक्स है। तो ये सिंगल डिक्स का मैं आप लोगों को रिव्यू दूंगा। दोनों बाइक में ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं है, बट मैं सब कुछ आप लोगों को बता दूंगा जो ड्यूल डिक्स एंड सिंगल डिक्स दोनों बाइक में क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइस मैं आप लोगों को पहले बता दे रहा हूँ इसका जो इंजन के बारे में, मैं पहले आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जो बजाज P150 है, तो इसका जो इंजन है 149.68 cc का इसका इंजन है, एयर कूलेड, ठीक है गाइस। वन सिलेंडर BS6 का मॉडल है जो नया मॉडल इधर लॉन्च किया है बजाज ने। सो गाइस इसका मैक्स पावर का बात करें तो 14.5 PS का साथ 13.5 NM का टॉर्क जनरेट करते हैं विथ 6000 RPM का साथ। और गाइस इसका गियर बॉक्स का बारे में बात करें तो 5 गियर बॉक्स आप लोगों को मिल जाते हैं बजाज पल्सर P150 में। 2 वेरिएंट मिल जाते हैं जो आप लोगों को सिंगल डिक्स एंड ड्यूअल डिक्स। तो गाइस ये जो है, ए मॉडल सिंगल डिक्स है, मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जो फ्रंट में आप लोगों को डिक्स मिल जाता है, और रियर में आप लोगों को CBS ब्रेक सिस्टम मिल जाते हैं। तो गाइस ये जो है, ये सिंगल डिक्स है, तो सिंगल डिक्स एंड ड्यूअल डिक्स दोनों आप लोगों को मिल जाते हैं। और गाइस इसको सिंगल चैनल ABS मिल जाते हैं साथ में आप लोग का। जो एग्जॉस्ट है गाइस, अंडरबेली एग्जॉस्ट आप लोगों को मिल जाता है। और गाइस सबसे बड़ी बात जो बाइक में सबसे दिक्कत आती है राइड करने का टाइम, ग्राउंड क्लियरेंस है। इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। और गाइस इसका जो सीट हाइट है, जो राइडर का बहुत सारे राइडर को जो दिक्कत देती है इसका सीट हाइट, तो सीट हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। इसका जो सीट हाइट है 790 mm का इसका सीट हाइट है, जो बजाज ने बहुत ही अच्छा इसका सीट हाइट दिया है, जो हर कोई राइडर इसको अच्छा तरह से ड्राइव कर सकते हैं। जो जिसका 5'3" है तो वो आराम से इसको राइड कर सकते हैं। और गाइस इसका फ्यूल टैंक जो आप आते हैं, इसका फ्यूल टैंक का बारे में, जो इसका फ्यूल टैंक है 14 लीटर का इसका फ्यूल टैंक देते हैं। और गाइस बजाज मतलब कंपनी ने जो क्लेम करते हैं इसका जो माइलेज देगा 50+ आप लोगों को माइलेज मिल जाएगा बजाज पल्सर P150 में। और गाइस और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जो बजाज पल्सर P150 है, तो इसका दो सीट का पोजीशन आप लोगों को मिल जाते हैं। गाइस ये देखिए, ये जो है ए मॉडल आपको सिंगल सीट मिल जाता है, और एक आप लोगों को मॉडल मिलेगा जिसमें आप लोगों को ड्यूअल डिस्क मिल जाता है, साथ में आप लोगों को स्प्लिट सीट भी मिल जाएगा। तो वो और एक आप लोगों को वेरिएंट मिल जाता है बजाज पल्सर P150 में। कह रहा हूँ इसका जो हेडलैम्प है, आप लोगों को प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल जाता है जो बहुत अच्छा दिया है बजाज ने। और इसका जो DRL है, आप लोगों को LED मिल जाता है, जो काफ़ी अच्छा खूबसूरत एक डिज़ाइन दिया है बजाज ने। इसका स्पीडोमीटर का बारे में, तो स्पीडोमीटर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। जो गाइस इसका स्पीडोमीटर है, आप लोग इधर एक बार देख लीजिए। तो गाइस इसका स्पीडोमीटर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, जो आप लोग देखिए खूबसूरत एक स्पीडोमीटर दिया है। जो गाइस इधर आप लोगों को गियर मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ, इसका जो गियर सिग्नल है, गियर सिग्नल आप लोगों को मिल जाएगा विथ टाइम मिल जाएगा आप लोगों को, एनालॉग एंड डिजिटल दोनों ही आप लोगों को मिल जाता है। और इधर किल स्विच का आप लोगों को सिग्नल मिल जाता है, साइड स्टैंड का सिग्नल मिल जाता है, बैटरी का सिग्नल मिल जाता है, ABS का सिग्नल मिल जाता है। और गाइस और एक चीज़ इधर दिया है बजाज ने, जो हर कोई बाइक में दे रहा है बजाज ने, जो काफ़ी एक अच्छा फीचर्स दिया है बजाज ने, जो आप लोगों को इधर USB चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है। तो आप लोग तो देख ही सकते हैं इसका जो USB चार्जिंग पॉइंट है। आप बात है इसका टेल लैम्प का बारे में, तो टेल लैम्प भी आप लोगों को फुली LED मिल जाता है, जो काफ़ी सूरत एक टेल लैम्प दिया है। तो गाइस आप लोग इधर कंपेयर कर सकते हैं बजाज पल्सर N160 का साथ, जो N160 का जो पीछे का टेल लैम्प का जो मॉडल है, सेम इधर किया है बजाज ने P150 में। और गाइस इसका इंडिकेटर का बारे में बात करें तो आप लोगों को चारों हेलोजन इंडिकेटर मिल जाता है, जो बजाज ने इधर एक चीज़ कर सकता था, जो इसका LED भी दे सकता था, बट नहीं दिया है। इधर आप लोगों को हेलोजन इंडिकेटर मिल जाएगा। और गाइस इधर फ्रंट में आप लोगों को इसका जो सस्पेंशन है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाएगा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है,
जो 31 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है बजाज P150 में, और पीछे में आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाएगा, जो इधर बजाज ने मोनोशॉक सस्पेंशन यूज़ किया है P150 में। इसका पीछे का ब्रेक का बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो गाइस इधर जो आप लोगों को इधर डिस्क नहीं मिलता है, इधर आप लोगों को कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। तो गाइस इसका जो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम का भी मैं आप लोगों को साइज़ बता दे रहा हूँ, 130 mm का आप लोग कॉम्बी एक ड्राम ब्रेक मिल जाता है बजाज P150 में। अगर इसमें जो अर्थ मॉडल है बजाज P150 में, जो पीछे में भी आप लोगों को डिस्क मिल जाता है। सो गाइस मैं आप लोग और एक चीज़ बता दे रहा हूँ, जो बजाज पल्सर P150 है, मतलब इसका जो फ्रंट का टायर का जो मॉडल है मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, 80/117 का फ्रंट का टायर आप लोगों को मिल जाएगा बजाज पल्सर P150 में, जो सिंगल सीट है। और पीछे का जो टायर का साइज है 190/17 का टायर मिल जाता है, जो MRF का ही टायर है, जो काफ़ी अच्छा दिया है साइज बजाज पल्सर P150 में। तो गाइस अब मैं इसका प्राइस बता दे रहा हूँ, जो सिंगल डिस्क है इसका प्राइस है 138,827 रुपीज़, जो डुअल डिस्क है उसका प्राइस है 142,157 रुपीज़ 150 का। तो ये जो कलर है, ये कलर है आप लोगों को इबोनी ब्लैक वाइट, जो इबोनी ब्लैक वाइट में बजाज ने लॉन्च किया है। तो इसमें आप लोगों को 5 कलर मिल जाएगा। तो गाइस मैं उधर ब्लॉगिंग कर रहा था तो उधर अंधेरा का वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, तो मैं लोकेशन चेंज किया। तो गाइस मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहते हूँ, जो बाइक के साथ जो जो आप लोगों को चीज़ मतलब आप लोगों को एक्सेसरीज मिल जाएगा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। तो गाइस आप लोगों को बाइक के साथ मिल जाता है इसका लुकिंग ग्लास, तो आप लोग तो देख ही सकते हैं, जो इसका मिरर, तो मिरर का जो डिज़ाइन है नया वाला एक डिज़ाइन है, जो काफ़ी अच्छा एक डिज़ाइन किया है बजाज ने। सो गाइस और साथ में आप लोगों को मिल जाएगा इसका लेग गार्ड, तो आप लोग देख ही सकते हैं, जो इसका लेग गार्ड भी आप लोगों को बाइक के साथ मिल जाएगा। और पीछे में आप लोगों को मिल जाएगा इसका फुट रेस्ट, तो कैसे देखिए इसका फुट रेस्ट भी आप लोगों को मिल जाता है, और साथ में आप लोगों को इसका साड़ी गार्ड भी मिल जाएगा, और पीछे आप लोगों को इसका ग्रेप हैंडल भी मिल जाएगा। तो सो गाइस आज का जो वीडियो रहा बजाज पल्सर P150 के साथ, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस नहीं तो आप लोग इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उधर जाके आप लोग प्लीज़ एक बार फॉलो कर लेना। और गाइस आप लोग का कोई सवाल है तो मुझे ज़रूर आप लोग कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना, मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। और गाइस ये जो बाइक है बजाज पल्सर P150, तो इसको लेने के लिए कितना डाउन पेमेंट चाहिए सब कुछ मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो गाइस ज़रूर जाके आप लोग इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट कोई ब्लॉग में, नेक्स्ट कोई कॉन्टेंट में। आज के लिए यही तक, तब के लिए बाय बाय, सी यू सी अगेन एंड सब्सक्राइब।